केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के दौरे के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद INS 24/7 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ऐतिहासिक होगा। दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हूँ। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश को नवीन एयरपोर्ट के साथ साथ कई बड़ी सौगातें देंगे। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के बयानों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ छल कपट की राजनीति करती है, ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है कि बीजेपी विधायक कांग्रेस में जाएंगे। 16 तारीख को आ रहे हैं गृह मंत्री जी, किस तरह की तैयारियां हैं? को ऐतिहासिक दिन होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे की तैयारी में व्यापक तौर पर जुटी है और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, उस दिन इतिहास बनेगा। और माननीय गृह मंत्री जी, देश के अंदर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरुआत हो रही है, मध्य प्रदेश इसका अग्रणी राज्य बन रहा है, ये भी एक ऐतिहासिक दिन 16 तारीख को वो करने वाले हैं। अच्छा, आपने बताया हिंदी में हो रहा है सिलेबस, सब सारे मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल की एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी में भी होगी और अन्य कोर्सेज में भी इसकी शुरुआत होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जो गोविंद सिंह जी ने आरोप लगाए के संपर्क में बताया, गोविंद सिंह जी झूठ बोलेंगे तो मैं क्यों जवाब दूं इसका? बुलाएं इनके सामने, क्या है, कहने से होता है क्या? तो ये थे बीडी शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, और उनका कहना है कि गोविंद सिंह जी आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक उनको उसका प्रूफ देना चाहिए, तब जाके होगा। केवल वो अभी तैयारियों में लगे हैं और उनकी तैयारियां हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं, उनका ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।